क्रिकेट में जब एम्पायर गलत फैसला देता है तो टीमें उसके खिलाफ अपील कर सकती हैं। इसे DRS यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम कहा जाता है। हर पारी में एक टीम के पास कम से कम 2 DRS लेने का मौका होता है। अगर ये सही हुए या एम्पायर कॉल हुआ तो टीमें 2 असफल होने तक इसे ले सकती है। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 में एम्पायर ने भारत के साथ खुलेआम बेईमानी की, लेकिन भारतीय टीम DRS नहीं ले पाए। साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर ने 8वें ओवर में रविंद्र जडेजा के खिलाफ 2 छक्के मारे, लेकिन फिर जडेजा ने एक गेंद ऑफ स्टंप से बाहर फेंकी। यह गेंद सीधी रही और डेविड मिलर के बल्ले में लगने के बाद विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथ में चली गई। भारतीय टीम ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर बोगानी ने उंगली खड़ी नहीं की। जब मिलर के खिलाफ अपील हुई तो टीम इंडिया के पास 2 DRS बचे थे, लेकिन इसके बाद चोटिल हुए सूर्य कुमार यादव की जगह कप्तानी कर रहे रविंद्र जडेजा ने DRS नहीं ले पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय DRS काम ही नहीं कर रहा था। एम्पायर ने कुछ समय पहले ही दोनों टीमों को इसकी जानकारी दे दी थी। जब रिप्ले आया तो उसमें साफ दिख रहा था कि गेंद मिलर के बल्ले का मोटा किनारा लगकर विकेट कीपर के हाथ में गई है। भारतीय कार्यवाहक कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 मैच में अपनी तूफानी पारी के साथ अपना 4th T20 शतक पूरा किया। उन्होंने 56 गेंदों पर 100 रन की पारी खेली। भारत ने 201 रन बनाए, लेकिन जवाब में साउथ अफ्रीका की पारी सिर्फ 95 रनों पर सिमट गई। उनकी पूरी टीम मिलकर सूर्य कुमार यादव के बराबर भी रन नहीं बना पाई। तो आपको यह जानकर कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।